हाँ तो शर्मा जी बताइए घर की तरफ तो आ जाइए, चाय साथ में पीते ना, साथ में चाय पीते घर पे आ जाइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर के आसपास बता लिए। हाँ ज्यादा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि लाइट क्या कलर टोन डाल दिया यार। ग्रुप मेंटेन करो, दिल से प्रार्थना कीजिए। फिल्म जो जनवरी में शुरू हो जा रही है, जिसके स्टार कास्ट अभी फाइनल होने वाला है, करीब से बात हो चुकी है, थोड़ा सा पीछे कर लो। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म में उन्होंने मुझे मेरा चयन किया है एज एन आर्टिस्ट। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस शुभ अवसर पर आप सब भी आशीर्वाद दीजिए और नारियल फूटने वाला है दिल से, जैसे नारियल फूटेगा आपके दिल से शुभकामनाएं फूटनी चाहिए कि ये ब्रह्म फिल्म हिट हो, सुपर हिट हो और बहुत सारा अच्छा बिजनेस करे, ताकि ब्रह्म टू ब्रह्म थ्री ब्रह्म में हुआ। गणपति बप्पा बहुत हार्ड है। ब्रह्म जो फिल्म है जिसके डायरेक्टर संतराम जी हमारे जो पुराने दोस्त थे, और बाकी टीम तो आपने देखी होगी, सब यंग और काफ़ी उनके जोशीले लोग हैं सब। फिल्म का नाम है ब्रह्म और ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है, जैसे कि अब्बास मदन की खिलाड़ी, बाजीगर, उससे पहले गुमनाम। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस जोनर की फिल्में बहुत कम बनती हैं, लेकिन जो भी बनती है लोग बहुत पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत दिन से अभी इस जोनर पे कोई फिल्म आई नहीं है। अब्बास मस्तान साहब लोग बनाते थे लेकिन अब वो शायद उन्होंने भी बनाई नहीं है। तो ब्रह्म यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, संतराम जी ने इसको डायरेक्शन के लिए सोचा है। और इस फिल्म की खासियत है कि ये टोटल मसाला फिल्म है, इसमें कॉमेडी का भी इन्होंने इनपुट रखा है, जिसके लिए मुझे उन्होंने आदेशित किया है। धन्यवाद करना चाहूँगा संतराम जी का और पूरी फिल्म की टीम का। और ये फिल्म जनवरी में ऑन सेट जा रही है, इसकी पूरी शूटिंग राजस्थान में होने वाली है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सब अपने आप में एक खूबसूरत जगह है, राजाओं का स्थान राजस्थान है, और वसुंधरा जो है उनकी वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, इसलिए वो सुंदर धरा है, धरा मतलब ज़मीन वहाँ की बहुत सुंदर है। और जयपुर की जय है, गुलाबी नगरी, आपको पता है आजकल गुलाब का क्रेज पता आपको कितना है। आपका क्या किरदार है इस फिल्म में? जिसके पास नहीं है गुलाब उसको लग सकता है सर्दी का बुखार ऐसा कुछ हो सकता है। क्या करें, किरदार आपका क्या है? किरदार जो है मेरा कैरेक्टर जो है कैरेक्टर लेस है, कॉमेडी कैरेक्टर है। और कॉमेडी कैरेक्टर में मैं इसमें खान साहब नाम का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो इस फिल्म में अजीबोगरीब है। वो मतलब आप इस फिल्म आप कैरेक्टर एंजॉय करेंगे, जैसे महमूद साहब का कैरेक्टर था, जैसे जॉनी भाई के कैरेक्टर बहुत सारी फिल्मों में है। मैं इन दोनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये दोनों मेरे गुरु रहे हैं, तो वो कैरेक्टर मुझे करने का मौका मिल रहा है। बाकी संतराम जी खुद डायरेक्टर हैं, वो अपने आपको अपने बताएंगे कि और क्या क्या इसमें उजागर होने वाला है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं अभी से ही आज से ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ब्रह्म फिल्म बहुत सुपर हिट हो, इसका पार्ट टू भी बने, ब्रह्म टू ब्रह्म थ्री। मैं चाहता हूँ कि पूरी टीम जो है जिंदगी भर भरम में रहे, भरम ही धर्म है। सर बात करें जो आपको पब्लिक हंसाने के जो हुनर है, जो कला है, उस अंदाज को कितना आप इसमें प्रस्तुत करेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी की स्टाइल में कहना चाहूँगा, प्लीज इसे बंद किया जाए।
म्यूजिक सुनते मुझे डांस आने लगता है। मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, संत राम जी जो हमारे मित्र हैं, उनकी फिल्म आ रही है भ्रम। उस फिल्म को आपको एंजॉय करना होगा। जो व्यक्ति इस फिल्म को देखकर एंजॉय नहीं करेगा, मुस्कुराएगा नहीं। रिलीज के बाद रात को 8 बजे मैं टीवी पे आऊँगा और जो जो नहीं मुस्कुराया, जिस जिसने ये फिल्म नहीं देखी, डायरेक्ट ऐलान करूँगा कि उस व्यक्ति का आज रात से मुस्कुराना और एंजॉय करना बंद है। मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की फिल्मों के नाम को पता है आपका कैसे कैसे आ रहे हैं। जो फिल्म एक बार भी देखने लायक नहीं होती, उस फिल्म का मतलब बार बार देखो। ऊपर से गाना भी होता है काड़ा चश्मा, भाई ऐसे ही फिल्म तो काड़ा चश्मा ही लगेगा और क्या। फिर ये फिल्म अभी आई थी पिंक, बाद में फिर मोदी जी का नोट आया पिंक। केजरीवाल जी से पूछा गया कि पिंक के बारे में क्या कहना है, तो केजरीवाल जी कहते आई डोंट लाइक पिंक, मुझे पिंक पसंद नहीं जी, मुझे पिंक पसंद नहीं। तो आपको क्या पसंद है? मुझे इंक पसंद है। बोले इंक कैसे? जो लोग मुझ पर मारते हैं इंक। क्या बात कर रहे हैं आप पर लोग इंक मारते, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, क्यों भाई? लोग मारते हैं शाही, तो लोकशाही से क्या प्रॉब्लम? आई लाइक लोकशाही। तो आपको ये नोटबंदी हुई इससे कोई? नोटबंदी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खुलेआम कहना चाहता हूँ जी, मोदी जी की नोटबंदी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है असुविधा से। और असुविधा क्या है? नोटबंदी। मित्रों, आप जब मोदी जी से पूछा गया कि आपके साथ में युवा लोग बहुत है, तो युवाओं ने आपको नोटबंदी बड़ा सपोर्ट किया, तो कहते हैं मित्र ये युवा मुझे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैंने नोटबंदी की है, नेटबंदी नहीं। जिस दिन नेटबंदी करूंगा उस दिन पता चलेगा ये युवा जो है मित्रों नहीं शत्रु हो जाएगा। मित्रों, और इनको थोड़ी दिन पहले ही मैंने आशीर्वाद दिया था कि नेटवर्क के तहत जियो जियो। सर, बात करें फिल्म के प्रोड्यूसर संजय गुप्ता जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजय गुप्ता जो है, जो इन्होंने पहले से सोने की चैन बना रखी है, अब ये चैन बढ़ती जाएगी। अब इनको चैन वैसे चैन नहीं मिलने वाला, लेकिन ऐसी चैन बहुत मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि संजय गुप्ता जो दिखने में बहुत सीधे हैं, साधारण हैं, लेकिन अंदर से बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत गट्स हैं इनके अंदर, और जो गट्स इनके अंदर होती है वही इस टाइप का बड़ा काम करते हैं। फिल्म का टाइटल भ्रम है, और इन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को साइन करने की बात बताई है मुझे। ये ओम पुरी को साइन करने जाने वाले, मैंने कहा भाई उनको दिन में ही साइन करना क्योंकि दिन में ओम पुरी होती है, रात में सोम पुरी हो जाते हैं। जोक से बाढ़ मजाक कर रहा हूँ। और राजपाल साहब की भी बात चल रही है, अब आगे यही बताएंगे आपको क्या क्या होगा। मुझे इस फिल्म में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और फिल्म की स्टोरी इन्होंने मुझे ऑनलाइन बताई। हाँ, राखी सावंत जी, जिनकी बात चल रही है आइटम सॉन्ग के लिए। राखी सावंत आपको पता ही है कितनी कमाल की कलाकार हैं, और सभी लोग हम लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। और अभी चयन चल रहा है, अभी नए कलाकार भी बहुत आएंगे इसमें, पुराने कलाकार भी आएंगे। हमारे नए कलाकार में कौन कौन नाम है भाई? मैम विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह है, एंड अभी पेंडिंग में ज्योति त्रिपाठी जी भी इसमें साइन आने वाली हैं, जो बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं और जो कवियत्री भी हैं, और भी लोग हैं। कनिष्क उजाला, कोयराला। अच्छा, मनीष कोयराला की बहन मतलब नाम से, तो कनिष्क कोयराला भी जो, वो भी मनीषा कोयराला की तरह ही खूबसूरत हैं, उनको भी आप फिल्म में देख पाएंगे। और टोटलिटी में ये फिल्म जो है कलाकारों पर तो है ही, ये टेक्निकल बहुत अच्छी फिल्म है, और टेक्निकली साइड को देखते हुए लगता है कि संत राम जी जो है खुद एक बहुत बड़ा नाम है, और इस फिल्म को अच्छा बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सुनील पाल जी के हाथों नारियल तोड़ के आपकी फिल्म का शुभ मुहूर्त? सुनील जी आए हमारे मुहूर्त में पिक्चर के, बहुत अच्छा लगा हमको, और काफ़ी टाइम से बात भी चल रहे थे, अच्छे, बहुत अच्छे इंसान हैं सुनील जी। और हमारे मूवी में जो खान का करेक्टर है, कॉमेडी प्लस, मैंने सोचा कि आजकल फिल्मों में खान का बड़ा क्रेज है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, मैंने कहा मैं भी खान बन जाऊं ताकि जिंदगी में सेफ रहूं, सेफ अली खान। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी सुनील जी ने बताया कि ढेर सारी अच्छी कास्टिंग करने वाले, ढेर सारे, हाँ बात तो काफ़ी लोग से बात हो चुकी है, लेकिन अभी तो भ्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, थ्रिलर पिक्चर है, सस्पेंस हॉरर है। तो कितना आप भ्रम में रहने वाले, कितना पब्लिक को भ्रम में डालने वाले हैं? जितना हो सके।
ये भ्रम जो है लोगों का एंटरटेनमेंट करेगा और लोगों को जो आजकल की फिल्मों के प्रति ये भ्रम आ गया कि फिल्में अच्छी नहीं होती, वो भ्रम इस भ्रम से टूटेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आजकल शादी में लोगों को सिर्फ चाय मिलती है, गाना नहीं मिलता यार, है ना भाई। ये आज़ाद साहब है, ये राइटर है, और इनका ये भ्रम था कि आज़ाद है, लेकिन अब भ्रम फिल्म के बाद इनका ये भ्रम टूट जाएगा। अब ये हमारे बंधन में आ चुके हैं, इनको भी हमने अपने बंधन में बांध लिया, और बहुत अच्छी कहानी। मेरा तो ऐसा मानना है कि फिल्म जो है बिना राइटर के बन नहीं सकती, एक अच्छी कहानी के बिना फिल्म नहीं हो सकती, चाहे हीरो कोई भी हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अगर राइटर नहीं है तो फिल्म कोयले ही खान है। संतराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर हैं आपको? जी बढ़िया, मैंने कोशिश की है इसको बनाने के लिए, करेंगे आप बहुत अच्छा। साथ में सुनील जी है, आज भी बात हुई हमारे हिसाब से, हम लोग उनको लिए। इस खान का जो कैरेक्टर है बहुत ही, मतलब जैसे जॉनी लीवर साहब या किसी ज़माने महमूद साहब हुआ करते थे, उसी तरह से हम ये है, और साहब उसको 100% बढ़िया परफॉर्म करेंगे। बात की जाए इसमें स्टार कास्ट, बाकी कौन कौन कलाकार? ओमपुरी साहब से बात चली है, वो भी है, और राकेश सावंत जी से बात हुई है, और अपने मुश्ताक भाई उनसे बात हुई है, और किरण कुमार जी से भी बात हुई है। बस ये जल्दी शूटिंग कहाँ पे करेंगे वो? हम लोग राजस्थान में करेंगे, जयपुर में, और जल्दी करेंगे, जनवरी में ही शुरू करेंगे। पब्लिक कब तक देख पाएगी शूट को? पब्लिक मई जून तक आ जाएगी पब्लिक। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिनको आप लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, और हमने काफ़ी कुछ इनका एक्टिंग वगैरह रिहर्सल करवाया, सारी चीज़ करने वाले इनको समझिए लॉन्च कर रहे हैं हम इस भ्रम फिल्म में। एक्चुअली तीन हीरो हैं, तीन हीरो में से एक ने एक हीरो है, तीन हीरोइन है, और अच्छी मर्डर मिस्ट्री कहानी है, आपकी कहानी के बारे में तो पहले भी बता चुका हूँ, बढ़िया है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? मूवी थ्रिल हॉरर सस्पेंस आपको तीनों देखने को मिलेंगी, और आप उम्मीद है कि पब्लिक से बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेगी, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, और मूवी की जो स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी है, अच्छी स्टार कास्ट है, तो हमें उम्मीद है कि हम अच्छा काम करेंगे और पब्लिक से बहुत अच्छी इंजॉय करेगी। इस फिल्म में किरदार क्या है आपका? किरदार एज ए लीड रोल मैं यहाँ पे इस फिल्म में कर रहा हूँ। कितनी तैयारी कर रहे हैं आप इसके लिए? तैयारी तो पूरी तन मन से पूरी तैयारी है, बाकी पब्लिक पर डिपेंड है कितना पसंद करते हैं। थैंक यू। मेरी फर्स्ट मूवी है, और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, संजय सर को और संतराम जी को, कि मुझे इस मूवी में मौका दिया है इन्होंने, और होप कि ये मूवी बहुत बहुत अच्छी जाए और ब्लॉकबस्टर हो। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर शूट, एंड जैसा कि सबको बताया है कि राजस्थान में इसका शूट होने वाला है जनवरी, सो आई एम सो एक्साइटेड। आप लोग भी प्रेयर कीजिए कि हमारी मूवी बहुत अच्छी जाए और ब्लॉकबस्टर हो। थैंक यू। इसमें आपका रोल क्या है? मेरा पैरेलल लीड रोल है, सो वो मूवी में आप देख लीजिएगा कितना क्या करती हूँ। क्या ये जिसमें तीन लड़के के लीड है, इसमें एक मैं कर रहा हूँ, और ऐसे भी एक फिल्म में सर के साथ काम किया हूँ, कॉलेज बॉयफ्रेंड, बहुत अच्छा लगा, और ये हमारी दूसरी फिल्म है, और इंशाल्लाह ये भी बेटर होगी। इसके पहले भी आप बड़े पर्दे पा चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, अच्छा रहा, अभी तो वो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसका, और बहुत जल्दी वो भी रिलीज़ होने वाली है, और ये दूसरी फिल्म है। भूमिका हमारे चेहरे से पहचान हो जाएगी, एज ए विलन हूँ इस मूवी में, और संतराम जी का जो भरम है, इन्होंने उस भरम को तोड़ने नहीं दे रहे, हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये कामयाब होते हैं या वेलन कामयाब होते हैं। थैंक यू। रोल बताएं सर, एक ये हमारे फिल्म के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सारा हेड सुर से ही संभाल रहे हैं, सब चीज़ इन्हीं के ऊपर है, बाकी आप उनसे पूछ सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे किरण म्यूजिक के बारे में, जिस फिल्म जिस कंपनी थ्रू यह भरम फिल्म मोड किया गया है? मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से बने, संजय जी का भी इसमें नाम हो, और हमारी सारी टीम को एक अच्छी कामयाबी मिले। पूरी टीम को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामना देना चाहते हैं ना, क्या दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? मतलब दर्शक ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? ऑडियंस से ये कहना चाहेंगे कि अच्छी बने, दुआ कीजिए सब, और देखें इसको, देखें इसको, बाकी लोग देखें। हाँ,
इंजॉय करें। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका तो रोल बड़ा मतलब भयंकर दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मूंछ के बारे में बताइए, मूंछ क्या है? मेरी मूंछ है 2 फीट की है, 2 फीट के है। नकली भरम फिल्म में मैं जान जीव लगाकर काम करना चाहता हूं, जिसे दर्शक देखकर बहुत मनपसंद हो, हमारे कला और राइटिंग देखकर दर्शक बहुत खुश हो, हम यही चाहते हैं। और सभी कलाकार से गुजारिश करेंगे, और सर हमारे संत राम सर हैं कि उन्हीं का देन है कि इस फिल्म में हम आए हुए हैं। मूंछों के लिए भैया बहुत मेहनत करना पड़ता है, यही मेरी मूंछे हैं। ये बिहारी सरदार पिक्चर में डबो जी हमारे से बाजी लगाई थी, तो उनके केस से बड़ा मेरा मूंछ था। तो कुछ दिक्कतें आती है सर रोज? दिक्कत तो मान लीजिए भैया, कोई काम कीजिएगा तो उसको संभालने के लिए दिक्कत तो होता ही है। जैसे आप माथे में केस रखे हुए हैं, उसके झालने और संभालने के लिए समय लगता है, इस प्रकार इसको भी संभालने के लिए समय लगता है। कितने साल से मूंछ रखे हुए हैं आप? मूंछ तो मेरा 3 साल से रखे हुए हैं, जिसमें अभी कुछ कटिंग कर दी है, बम्बे में आए तो कुछ कटिंग कर दिए है, नहीं तो मूंछ मेरा इससे भी बड़ा था। तो आप मानते हैं नथुराम मूंछे हो तो नथुराम जैसे हो? जी नथुराम से हम 20 हैं। थैंक यू।